नमस्कार, मैं सोनिया सच्चर एजुकेशन वर्ल्ड से तुहाडा फिर तो स्वागत करती हाँ। उम्मीद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर तुहानू सारयां नू बहुत पसंद आया होएगा, जिदे विच असी MCQs जिहड़े आ उह कीते सीगे। ठीक है, वो सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगे। ते उस तो अगे नैक्सट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े आ असी MCQs लैक्चर 2 च लैके हाजिर होए हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हाँ। 26 क्वेश्चन है साडा, वट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट जड़ा वै उदा SI यूनिट जड़ा वै वो केड़ा हुंदा है? वोल्ट हुंदा है, वॉट हुंदा है, एम्पीयर हुंदा है के ओहम हुंदा है? ठीक है, तो सब तो पहले असी गल करांगे कि इलेक्ट्रिक करंट दा जड़ा यूनिट है वो केड़ा हुंदा है? एम्पीयर। फिर वोल्ट जड़ा वै वो किदा यूनिट है? वो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस दा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दा जिन्हों तुसी EMF भी कहंदे हो। ठीक है, वॉट जड़ा वै वो किदा यूनिट हुंदा है? पावर दा। पावर नू असी वॉट दे विच मेजर करने आ। एम्पीयर तुहानू दस ही दिता इलेक्ट्रिक करंट दा है, ते ओहम जड़ा वै वो किदा यूनिट हुंदा? रेजिस्टेंस दा। ठीक है, सो ए सीगे तुहाडे SI यूनिट्स। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वॉट हुंदा है पावर दा, एम्पीयर हुंदा है इलेक्ट्रिक करंट दा, ते ओहम हुंदा है रेजिस्टेंस दा। नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हां। 27th क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट? ठीक है, सो सूर्य की रोशनी तो सानू केड़ा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सो विटामिन डी साड़ी बॉडी च सिंथेसाइज नहीं हुंदा, वो सानू किदा मिलता है? सनलाइट च। ठीक है, सो धुप्पे बैठोगे तो तुहानू विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी के नाल सानू जड़ा वै बोन्स दे हड्डियां नाल रिलेटेड जड़ा वै वो रोग हो जाते हैं। ठीक है, जिदे करके धुप्पे बैठना बहुत जरूरी हुंदा है। ठीक है, ताकि साड़ी बॉडी च विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाए। ठीक है, तो वो साड़ियाँ हड्डियां नू जड़ा वै वो मजबूत रख सके। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच विटामिन इज जनरेटेड इन द बॉडी? साड़ी बॉडी दे विच केड़ा विटामिन जनरेट हुंदा है? हुणे असीं की कीता कि विटामिन डी ते सानू कित्थों मिलता है? धुप तो मिलता है, मतलब सनलाइट तो मिलता है। ते हुण केड़ा विटामिन ऐसा है जिहड़ा साडी बॉडी दे विच सिंथेसाइज हुंदा है? विटामिन ए। विटामिन ए सानू सब्जियां तो मिलता है। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। सो ए चारां दे विचों केड़ा ऑप्शन सही है? साडी बॉडी च जिहड़ा सिंथेसाइज हुंदा है या जिहड़ा विटामिन जनरेट हुंदा है वो केड़ा वा? विटामिन ई। ठीक है, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। 29th क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन पपाया? ठीक है, पपाया जड़ा वै उहदे तो सानू बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ते इहदे तो सानू केड़ा विटामिन मिलता है? विटामिन ई। ठीक है, इहदे तो मिलता है सानू विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? साढ़े दिल के विच टोटल मनुखी दिल के विच किन्ने चैम्बर ने? ठीक है, जिवें सानू पता ही है कि साढ़े दिल के विच किन्ने खाने होंगे है? चार। ठीक है, यह तुहाडा हार्ट, हार्ट के विच साढ़े कोल चार खाने होंगे है। दो होंगे है ऑरिकल्स, ठीक है, ते दो होंगे है वेंट्रिकल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड? ठीक है, मनुखी दिल दी स्टडी नू असी की कहने हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड जदों भी आ जाए, ठीक है, ते ए वर्ड दिल दे नाल रिलेटेड होंदा है। ठीक है, एनाटमी असी पहले लेक्चर च पढ़ के ही हटे हाँ कि एनाटमी किदी स्ट्रक्चर किदी स्टडी होंदी है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी।
ठीक है सर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो साडे बॉडी दे विच किन्ने ऑर्गन्स ने, हर एक सिस्टम दे विच ते हर एक दा की फंक्शन है, उसी किदे च पढ़दे हैं एनाटॉमी च। न्यूरोबायोलॉजी मैं तुहानू दस्या सीगा, न्यूरो वर्ड जदों भी आ जाए ते ओ की हुंदा, स्टडी ऑफ ब्रेन। न्यूरो वर्ड दिमाग दे नाल रिलेटेड है, ब्रेन मतलब दिमाग। ठीक है, सो दिमाग दी स्टडी नू न्यूरोबायोलॉजी कहिंदे हो। ह्यूमन बॉडी शरीर रचना जिहड़ी है उहदी स्टडी नू असीं एनाटॉमी कहिंदे आ, ते दिल दी स्टडी नू असीं कार्डियोलॉजी कहिंदे आ। अगले क्वेश्चन ते चलदे आ। क्वेश्चन नंबर 32, द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। साडा जिहड़ा दिल है ना, उहदा भार किन्ना है? दिल तुहानू पता है कि ओह किहदे आकार दा हुंदा है, मुट्ठी दे आकार दा। ठीक है, मुट्ठी दे आकार दा हुंदा है, फिस्ट साइज। ठीक है, इहदा मतलब उहनू असीं की कहिंदे आ, फिस्ट साइज, इन्ना साइज हुंदा उहदा। ठीक है, ते उहदा भार टोटल हुंदा किन्ना वा, दैट इज सही आंसर की है 300 ग्राम। 300 ग्राम भार हुंदा है ह्यूमन हार्ट दा। ठीक है, इह चीज़ याद रखियो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जड़ा वै उदे हार्ट दे विच भी किन्ने खाने होंदे है? क्रोकोडाइल जड़ा वै उन्हों भी असी किदे विच रख्या वै, मैमल्स दे विच। ठीक है, तो मैमल्स दी कैटेगरी च रख्या वै, इस करके एदे भी हार्ट दे विच किन्ने खाने होंगे? 4। असी भी मैमल्स दी कैटेगरी च आने हैं, साढ़े च भी 4 खाने हैं, तो मगरमच्छ के विच भी 4 खाने होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ बर्ड्स। हुण गल करिए पंछियों की, तो उन्होंने दिल के किन्ने चैम्बर होंगे है? ठीक है, चीज़ा याद रखनी है, किन्ने होंगे है? 2 चैम्बर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर। हूँ देखो, ए 3 इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर ते हाइग्रोमीटर। ठीक है, 3 दिते हुए हैं, चौथा आंसर हैगा नन ऑफ द अबव। ते हुण सानू सारिआं बारे पता होना चाहिए कि किदे किदे इंस्ट्रूमेंट है। सब तो पहले तो असी गल कर रहे हैं कि असी लैना की है, मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर, उहनू मेयर करन वास्ते जिहड़ा असी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उहनू असी की कहने आ, हाइग्रोमीटर। ठीक है, थोड़ा सही जवाब है। बैरोमीटर जड़ा वै उन्हूं असी कादे लई यूज करते हैं, टू मेयर एटमोसफेरिक प्रेशर। ठीक है, जड़ा एटमोसफेयर दा प्रेशर है उन्हूं मेयर करन लई जड़ा असी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन्हूं असी की कहने आ, बैरोमीटर। ठीक है, ते हाइड्रोमीटर, हाइड्रो वर्ड जदों भी आ जाए वो किद रिलेटेड है? दिस इज यूज टू मेयर स्पेसिफिक ग्रैविटी। सो स्पेसिफिक ग्रैविटी मिलन दे असी की यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर। मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर मेयर करने लिए असी हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, तो एटमोसफेयरिक प्रेशर मेयर करने लिए असी बैरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। हूँ उन्हें सानू देखो, पहले उन्हें सानू इलैक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा सीगा, हूँ उन्हें सानू प्रेशर का यूनिट पूछा है। सो प्रेशर का SI यूनिट की होंगे? पास्कल। ठीक है, प्रेशर का SI यूनिट की होंगे? पास्कल। फैराडे की दा यूनिट है? फैराडे यूनिट होंगे असं चार्ज नू मेयर करते हैं। ठीक है, सो 1 फैराडे किदे बराबर हुंदा है? 96,500 कूलम दे बराबर। ठीक है, सो 96,500 कूलम दे बराबर हुंदा है। ओहम जड़ा वै ए किदा यूनिट है? ओहम रेजिस्टेंस दा यूनिट है। ठीक है, इहदे नाल असीं रेजिस्टेंस मेयर करने आ। जाउल जड़ा वै ओह किदा यूनिट है? वर्क दा, काम की इकाई है जाउल। ठीक है, काम नू असी मेयर करने आ जाउल दे विच। ठीक है, कि किन्ना काम होया। फोर्स, जे असी फोर्स की गल करिए
ठीक है, बल किन्ना लगा उन्हूं असी मेयर करते हैं न्यूटन दे विच। ठीक है, यह सारे यूनिट्स है, ठीक है, जिन्हों सू याद रखना पड़ेगा कि किदा यूनिट की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाल किनू जानिया जाता है। सो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एर्कीमेडिज है, अरिस्टोटल है, माइकल फैराडे है, कि नन ऑफ द अबव। सो अरिस्टोटल नू जानिया जाता है एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फिर आ गया आर्कीमेडिज। आर्कीमेडिज नू उदे प्रिंसिपल, आर्कीमेडिज प्रिंसिपल दिता सीगा उन्हें, ठीक है, उदे नाम नाल जानिया जाता है। ते माइकल फैराडे जड़ा वह उन्हें दिते सीगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऐसी पहले भी किया सीगा। देखो जिन्हें भी क्वेश्चन है तुसी देख रहे हो, बहुते क्वेश्चन जड़े हैं ना डिस्कवरीज, डिस्कवरर, ठीक है, या जड़ी चीज़ कोई यूनिक है या कोई बीमारियां है उदे ना रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, सो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, साढ़े सोलर सिस्टम के विच, साढ़े सौर मंडल के विच सब तो वड्डा प्लैनेट केड़ा वा? ठीक है, सो सब तो वड्डा प्लैनेट जड़ा वै वो साढ़े सिस्टम के विच केड़ा वै? अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, के मरकरी है? सो सब तो वड्डा प्लैनेट केड़ा वै? जुपिटर। हुण जदों असी गल कीती है ना बिगेस्ट प्लैनेट्स प्लैनेट दी, फिर असी गल करांगे स्मॉलेस्ट प्लैनेट दी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुन क्वेश्चन अगला 39th क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। साढ़े सोलर सिस्टम का सब तो छोटा ग्रह केड़ा? ठीक है, सब तो छोटा ग्रह केड़ा? मरकरी है, यूरेनस है, नैपच्यून है, के सैटर्न है? तो सब तो छोटा ग्रह केड़ा वा? मरकरी। ठीक है, सब तो छोटा मरकरी, सब तो वड्डा जुपिटर। ठीक है, तो याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सब तो गर्म प्लैनेट केड़ा वै साढ़े सोलर सिस्टम दा? मरकरी है, वीनस है, मार्स है, के सैटर्न है? ठीक है, इन्हों चो सब तो ज़्यादा हॉटेस्ट केड़ा वै? हॉटेस्ट केड़ा वै? वीनस। ठीक है, फिर जदों असी हॉटेस्ट की गल की है ना तो यदा उल्टा की आ जाता है? कोल्डेस्ट। ठीक है, देखो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोल्डेस्ट प्लैनेट केड़ा वै? इन्हों चारों चो तो कोई नहीं है। मरकरी, वीनस तो असी दसता कि हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, सो मरकरी, मार्स से सैटर्न चो कोई नहीं है। कोल्डेस्ट प्लैनेट पता केड़ा होंगे? कोल्डेस्ट प्लैनेट होंगे नैपच्यून, जड़ा केड़ा वै? एट्थ प्लैनेट। ठीक है, सो नैपच्यून हुंदा तुहाडा कोल्डेस्ट प्लैनेट। देखो जदों कोई भी क्वेश्चन पूछे उहदा अपोजिट तुहानू जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, उहदे उल्ट भी क्वेश्चन पूछ सकदा उह तुहानू। ठीक है, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर सेंट टू अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, सो पहला लिविंग क्रिएचर केड़ा सीगा जड़ा असी अर्थ ऑर्बिट ते भेजा? लिविंग क्रिएचर पूछा वा? ठीक है, मतलब पहला जीव जड़ा असी अर्थ ऑर्बिट ते भेजा वो कौन सीगा? वो कौन सीगा? लाइका, अ डॉग। ए लिविंग क्रिएचर च आ गया, क्रिएचर च आ गया, जीव च आ गया। ठीक है, ते जे असी मोंकी बारे गल करिए, एल्बर्ट मोंकी, ठीक है, इहनू भी असी भेजा सीगा। सो वो की सीगा? फर्स्ट प्राइमेट। जी वो क्वेश्चन पूछदा फर्स्ट प्राइमेट केड़ा सीगा विच इज सेंट टू एरोस्पेस। ठीक है, के फर्स्ट प्राइमेट केड़ा सीगा? अल्बर्ट मोंकी। फर्स्ट एप पूछेगा ते ओ कौन सीगा? हैम, अ चिंपैंजी। ते फेलिक्स दा इहदे नाल लेना देना कोई नहीं है। फेलिक्स की है? एक फनी कार्टून करैक्टर है, फनी एनिमल कार्टून करैक्टर। ठीक है, उहदा इहदे नाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो एड तो ऑड वन आउट है।
बाकी ये तीनों जड़े है ये भेजे है। जे फर्स्ट लिविंग क्रेचर पूछे तो लाइका डॉग, जे फर्स्ट प्राइमेट पूछे तो एल्बर्ट अ मोंकी, जे फर्स्ट एप पूछे तो हैम अ चिंपैंजी। ठीक है, सो यह थोड़े क्वेश्चन का जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ने, बड़े ध्यान नाल करो। विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, साढ़े सोलर सिस्टम का सब तो नेड़े वाला स्टार जड़ा वै वो केड़ा वै? बर्नर्ड स्टार है, रॉस 154 है, प्रोक्सीमा सेंचुरी है के सीरियस है? ठीक है, इन्हों केड़ा वै? सो सब तो नेड़े साडा जड़ा वै स्टार उन्हों असी की कहने हैं, साडा सही जवाब की है प्रोक्सीमा सेंचुरी। हुण असी गल करिए बर्नर्ड स्टार की। बर्नर्ड स्टार जड़ा वै वो सैकेंड नियरेस्ट है, सैकेंड नियरेस्ट स्टार, ठीक है, टू आवर सोलर सिस्टम। रॉस 154 की गल करिए तो यह की होंगे डिम स्टार है। डिम स्टार मतलब जिदी बहुत घट रोशनी होंगी है, जो तुसी देखोगे तो यह बड़ा ही तुहानू डिम नज़र आएगा। यह की है सैवंथ क्लोजेस्ट स्टार टू सन, ठीक है, सूरज तो सैवंथ सत्तवें नंबर पर आता है। तो जोड़ा सीरियस है ना, सीरियस जड़ा वै उन्हूं असी कहने दिस इज ब्राइटेस्ट। राती देखोगे ना सब तो तेज चमकन वाला सितारा, ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, इन नाइट स्काई। इनू असी एक होर नाम नाल जानने हैं जी, किनू की कहने असी इनू डॉग स्टार। यह चीज़ा याद रखियो, इनू असी डॉग स्टार के नाम नाल भी जानने हैं, किनू सीरियस नू, ठीक है। सो सीरियस इज ऑलसो नोन एज डॉग स्टार। यह है कि यह ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ठीक है, सब तो तेज चमकन वाला सितारा है स्काई दे विच, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स जड़ा वै चेचक जिन्हों कहते हो वो किदे करके फैलती है? वायरस करके, बैक्टीरिया करके, फंगस करके कि नन ऑफ अबव? यह तुहानू सारयां नू पता ही है कि स्मॉल पॉक्स कौन फैलांदा है? वायरस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हुण किडनी दे नाल रिलेटेड केड़ा फंक्शनल यूनिट है उन्हूं असी की कहने हैं? नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन आंसर है। ग्रैनुलोसाइट की होंदा है? यह की है? अ टाइप ऑफ, एक तरह का वाइट ब्लड सैल है। सो अ टाइप ऑफ WBC, WBC का फुल फॉर्म की होंगी है? वाइट ब्लड सैल्स। न्यूरोन वर्ड जदों भी आ गया किदे नाल रिलेटेड है? ब्रेन दे नाल। सो दिस इज नर्व सैल, ठीक है, न्यूरोन की है? नर्व सैल जड़ा साडा की बनांदा है? नर्वस सिस्टम, ठीक है, जड़ा साडा की बनांदा है? नर्वस सिस्टम। ते ग्रैन्यूल की होंदा है? स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होंदे है किदे विच? साइटोप्लाज्म दे विच। जिवें हुण सपोज करो यह असी सैल बना लिए, यह साडा न्यूक्लियस आ गया, एदे विच साइटोप्लाज्म है, एदे विच जड़े है सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है ना, इनू असी की कहने आ? ग्रैन्यूल, ठीक है। सो दीज आर ग्रैन्यूल्स। सो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, उन्हों असी की कहने हैं? ग्रैन्यूल्स। सो यह तो हो गया थोड़ा 44th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो विच इज़ अ वाटर सॉलेबल विटामिन, ठीक है, हुण तुसीं देखो जदों इत्थे यह गल आ गई ना वाटर सॉलेबल विटामिन, सो विटामिन नूं असी दो कैटेगरीज च वंडने आ, ठीक है, एक हुंदे आ वाटर सॉलेबल, यह याद रखने हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल आ सकता है। दूजे हुंदे आ फैट सॉलेबल, ठीक है। हुण वाटर सॉलेबल विटामिन जड़े है उन्हां दे विच केड़े केड़े आ जांदे है? उन्हां च आ जांदा विटामिन सी,
ते विटामिन बी कंपलैक्स, बी कंपलैक्स से सारे ही आ गए, B6, B12, ठीक है सारे आ गए। ते जड़े फैट डिजोल्व होंदे है, फैट सोलेबल होंदे है, वो केड़े विटामिन होंदे है, वो होंदे है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, सो विटामिन ए, डी, ई ते के, ए फैट सोलेबल होंदे है। हुन क्वेश्चन का जवाब तो तुहानू पता चल ही गया होएगा, की है क्वेश्चन का जवाब, कि वाटर सोलेबल विटामिन केड़ा हो गया, फिर विटामिन सी। इन्हां च ते सही आंसर ए हो गया, ए ते डी, ए की है फैट सोलेबल विटामिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड। सो नासा का हेडक्वार्टर कितने है, नासा का हेडक्वार्टर कितने है, वाशिंगटन। यह चीज याद रखियो, है तो डाटा ना रिलेटेड है, तो सानू याद ही रखने पैने हैं क्वेश्चन। विच गैस इज यूज फॉर फ्लाइंग बैलून्स। सो बैलून दे विच असी केड़ी गैस फिल करते हैं, बैलून्स जड़े देखिए ना गैसी गुब्बारे होंगे है, उन्होंने विच केड़ी गैस वरती जाती है, हीलियम। ठीक है, सो हीलियम जड़ी है असी यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन है तो 48, डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ। ठीक है, हुन तुसीं देखो विटामिन ए, बी, सी, डी, सी ते के, चार सानू विटामिन देते हैं, ते विटामिन केड़े विटामिन दी कमी दे नाल स्कर्वी रोग हुंदा है, स्कर्वी रोग हुंदा है विटामिन सी दी डेफिशिएंसी दे नाल। ठीक है, हुन विटामिन ए दी डेफिशिएंसी दे नाल केड़ी डिजीज हुंदी है, विटामिन ए ना साडे विजन अखां नाल रिलेटेड है। ठीक है, सो एदी कमी दे नाल की हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, राती दिखना बंद हो जाता है, जिन्हों अंधराता रोग कहते हो, अंधराता। ठीक है, कि शामी देखते सारी, शाम होंदे सारी दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी दी कमी दे नाल बेरी बेरी नां दा रोग हो जाता है। ठीक है, या स्किन डिजीजेस हो जाती है, स्किन ना रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, ते विटामिन सी दा असी कर ही लिया स्कर्वी, ते विटामिन के जड़ा है ओदी कमी दे नाल की हो जाता है, विटामिन के साडे हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दे लिए। ठीक है, सो ब्लड क्लॉटिंग च हेल्प करता है, ते जे विटामिन के दी शरीर च कमी हो जाए ना, फिर की हुंदा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत सारा खून निकल जाता है। ठीक है, जिन्हों जिदे करके की हो जाता है, हैमरेज। ठीक है, हैमरेज। ठीक है, तो बंदे दी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, होर एदे करके दूसरा रोग की हो सकता है, ओस्टियोप्रोसिस, साड़ियाँ हड्डियाँ वीक हो सकती हैं, ओस्टियोप्रोसिस। ठीक है, हड्डियाँ का कमजोर होना, उस बीमारी नूं असीं की नाम दिंदे आ, ओस्टियोप्रोसिस दा। सो यह सारे विटामिन की डेफिशिएंसीज दे नाल यह सारा कुछ जड़ा वह सारिया बीमारियां हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। 49 क्वेश्चन, द विटामिन दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो हुने करके हटे हो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दे नाल केड़ा विटामिन रिलेटेड है, विटामिन के। ठीक है, इहदा सही जवाब है, विटामिन ए, बी, सी दी कमी दे नाल केड़े केड़े रोग हुंदे आ, हुने असीं करके हटे हाँ। अगला क्वेश्चन आ जाता है 50, विच डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशंसी ऑफ आयरन। ठीक है, सो आयरन की डेफिशंसी के नाल कीड़ा कि बीमारी होंगी है। सो आयरन की डेफिशंसी के नाल की होंगे, अनीमिया, बंदा ना बिल्कुल पीला जहा दिखता है। ठीक है, लगता है कि जिमें खून ही नहीं है। ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, फिर उन्होंने डाइट के दिता जाता है, आयरन दिता जाता है, सो अनीमिया हो जाता है। हूँ दूसरी डिजीज है मैरासमस, मैरासमस जड़ी है वो किदी डेफिशिएंसी दे कारण हुंदी है, प्रोटीन दी। जे साडी डाइट दे विच प्रोटीन दी डेफिशिएंसी होए ते ओदी कमी दे नाल केड़ी डिजीज हो जांदी है, मैरास्मस। स्कर्वी तुसी कीता ही है हुणे, वो किदी कमी दे नाल हुंदा है, विटामिन सी दी। जे साडी डाइट च विटामिन सी दी घाट होए ते ओदी कमी नाल केड़ा रोग हुंदा है, स्कर्वी। गोइटर रोग जड़ा वा, ठीक है, वो किदी कमी दे नाल हुंदा है, सॉरी, आयोडीन दी। ठीक है, आयोडीन दी कमी दे नाल हुंदा है, कट देने।
सो आयोडीन की कमी के नाल किहड़ा रोग हो जाता है गोइटर। ठीक है, सो यह सारी इस लैक्चर के देखा बहुत सारिया असी डिस्कवरीज कीतियां, प्लैनेट्स बारे पढ़िया, डिजीज़ बारे पढ़िया, विटामिन बारे पढ़िया। ठीक है, होर बहुत चंगे चंगे क्वेश्चन लैके अगली अगले लैक्चर च मिलांगे तुहानू। ठीक है, तद तक साढ़े यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW ते बने रहो। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन असी करा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जोड़े थोड़े एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत जरूरी ने। ठीक है, जे तुम चाहते हो कि साढ़े ये इस पार्ट के भी असी वधिया स्कोर करिए, तो साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करना ना भूलो। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ सबसक्राइब करो एजुकेशन वर्ल्ड EW चैनल। तो अगले लैक्चर के फिर मिलते हैं। थैंक यू।